हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है एग मैगी। मैगी सबको पसंद है तो मैंने कहा चलो आज एग मैगी बनाया जाए जिसमें थोड़े वेजिटेबल भी डाले जाएं और मस्त गर्मा गर्म स्पाइसी एग मैगी इंजॉय की जाए। तो चलो एग मैगी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे एक कढ़ाई में एक गिलास पानी, अब हम इसमें अपनी एक मैगी को तोड़ लेंगे। अगर आपको दो बनानी है तो दो ग्लास पानी और दो मैगी। अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए यानी 3 मिनट या 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। लो ये पक चुकी है। अब हम इसे निकाल के साइड कर लेंगे और हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हमने कढ़ाई में ले लिया है 2 चम्मच तेल, दो कटे हुए प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, एक या दो आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, थोड़े मटर, थोड़े कटे हुए टमाटर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़े से हमने डाले हैं अदरक कटे हुए, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। मटर पक चुकी है दोस्तों, इसीलिए पहले मटर डाली थी ताकि वो थोड़ी पक जाए प्याज के साथ। की बार हमने नमक लिया है स्वाद के अनुसार, आप दो डाल रहे हैं तो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। हमने इसमें डाला है थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर यानी धनिया पाउडर, थोड़ी सी चुटकी भर हमने डाली हल्दी, चुटकी भर हमने डाली है मिर्च, इसको अच्छे से मिला लिया हमने। मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेना हमने। अब हमने इसमें एक अंडा फोड़ के डाल देना है और इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि जितनी वेजिटेबल्स हैं और मसाले वो अच्छे से अंडे में मिल जाएं। तो इसे हमें चलाते रहना है ताकि हमारा जो अंडा है वो चिपके ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मैगी जो हमने बॉईल करके साइड पे रखी थी। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। 2 या 3 मिनट लगेंगे दोस्तों मिलाने में, तो आपको थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाते रहना है ताकि मैगी कटे ना। लो ये मिल चुकी है और तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे एक प्लेट में डाल देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है एग मैगी है, काफी अच्छी होती है एग मैगी और थोड़े से वेजिटेबल हैं वो भी काफी टेस्टी लगते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे दोस्तों। तैयार हो गई हमारी छोटी भूख की प्यारी सी मैगी। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।